हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे डी एस एजुकेशन अकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, आर्मी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 TGT PGT एंड PRT एग्ज़ाम्स ऑन 20th फेब। तो इसमें मेनली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अधिक से अधिक दोस्तों मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको विदिन 7 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं अपनी 7 टिप्स जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, आर्मी पब्लिक स्कूल्स AWS 2022 PGT TGT PRT एंड परीक्षा 19 और 20 फरवरी को होने वाली है। सो 19 फरवरी आज के एग्ज़ाम तो दोस्तों हो गया है, और कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनकी बात करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल्स AWS PGT TGT PRT 2022 ऑनलाइन परीक्षा क्रैक करना कई उम्मीदवार के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा का स्तर काफ़ी अधिक है और इस साल बढ़ी आवेदकों की संख्या है, इसलिए हम अंतिम समय में सबसे स्ट्रिप्स लेकर आए हैं। तो मेनली दोस्तों आपको पता है, लास्ट 2 साल से आपकी कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो और लेकिन दोस्तों BEd वाले या फिर DEd वाले दोस्तों इनकी कह सकते हो संख्या तो नहीं कम हुई ना, तो इसलिए दोस्तों इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म हुए बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो उसको देखते हुए दोस्तों आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, और आप कंपटीशन में दोस्तों बहुत कह सकते हो बहुत टफ कंपटीशन है, तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शंस जब इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों आपके जो स्कोर कार्ड आएगा वो डेफिनेटली आपको आपका सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। सो अगर स्कोर की बात करें तो सामान्य करके 100 मध्य अंक से दिया जाएगा, यानी 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा फ्रेंड्स, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है आपको पता ही है दोस्तों, और पार्ट ए और पार्ट बी एक एक साथ उपलब्ध होंगे, और उम्मीदवारों को अपने पसंद के क्रम में प्रश्नों का उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी, यानी 2 पार्ट होंगे पेपर में मेनली। सो आप कोई भी पार्ट पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, किसी पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक भाग का न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा, यानी क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको 50% अंक ओवरऑल चाहिए दोस्तों, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। सो लास्ट टाइप स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वी हैव द लिस्टेड डाउन द इंपॉर्टेंट लेटर इन द एसे टॉपिक्स फॉर यू विल बी हेल्प यू इन द लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो कुछ लास्ट डे स्ट्रैटेजी है, तो बात करते हैं दोस्तों किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लें, जैसे कि पार्ट ए में अगर बात करें दोस्तों, चाहे PGT हो, TGT हो, PRT हो, मैथमेटिकल एबिलिटी आने वाला है, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर नंबर, रैंकिंग, टाइम टेबल सीक्वेंस एंड द एलिजिबिलिटी टेस्ट। GS की बात करें दोस्तों तो आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटिकल, इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों SST का क्वेश्चन आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने दोस्तों BCA और सिविक्स की वीडियो बहुत ही पहले अपलोड करी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मैं आपको गारंटी दोस्तों देता हूँ दोस्तों, अगर वो 10 वीडियोज़ होगी, 5 to 10 मिनट्स की हर वीडियो होगी, अगर आप वहाँ देख लेते हैं दोस्तों, तो जो सिविक्स के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो डेफिनेटली दोस्तों आप सारे के सारे सही कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, और इसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप उसे भी दोस्तों देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन 4 to 5 जो वर्ल्ड हिस्ट्री से बनने वाले दोस्तों डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अलावा मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, जिसमें GS का क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन लिया मैंने, 25 क्वेश्चन हर एक वीडियोज़ में। इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मैम के भी वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, जहाँ दोस्तों 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके बनने हैं डेफिनेटली, तो आप इन वीडियोस को जरूर एक बार देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड्स। ना आगे बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव की, तो वोकैबुलरी आने वाली दोस्तों, ग्रामर में वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अरेंजमेंट टेंसेज आने वाले हैं, करेक्शन एरर आने वाला है, रिकॉग्नाइजेशन, प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव, सिंटोनिम, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट आने वाला फ्रेंड। इसके अलावा एजुकेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथोलॉजी में क्वेश्चन आना है, मटेरियल डेवलपमेंट एंड द सिलेबस डिजाइन, टीचर एजुकेशन, क्रिटिकल पेडागोजी, तो ये पेडागोजी का पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश स्पेसिफिक पर्पस, इंग्लिश फॉर द एकेडमिक पर्पस, ये सारे दोस्तों आपके थॉट हैं। अब अगर बी पार्ट की बात करें, सेक्शन बी में क्या आने वाला है PGT और TGT के, तो ये तो दोस्तों PRT का है, जो कि 90 मिनट का होने वाला है, 1.5 घंटे का आपका PRT का। पार्ट बी दोस्तों आपका मेनली है PGT और TGT का, तो
पार्ट बी भी मिल दोस्तों मिलनी, क्या करना है आपको, द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कैरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पेसिफाई सब्जेक्ट, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा उसको भी होगा, बाय द कैंडिडेट ऑफ पीजीटी टीजीटी पोस्ट। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लाइक बॉटनोलॉजी होंगे, साइकोलॉजी वाले होंगे, होम साइंस वाले होंगे, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई करने होंगे। तो आपको लास्ट स्ट्रेटजी अपनी ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है जितनी जल्दी हो सके। इसके अलावा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं तो आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रेटजी है रीड द कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन में कभी कभार हम आधे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर टिक करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो क्वेश्चन आंसर गलत है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और आप सही आंसर को टिक करें। अबाउट द गैसेस गैसेस वर्क, यानी दोस्तों आप गैस करके आंसर कभी मत लगाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको केवल 50% स्कोर चाहिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस करेंगे सारे अटैम्प्ट जो आपको आता होगा, तो डेफिनेटली 50% से आप क्रॉस कर लेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर गैस में आप तुक्का लगाएंगे दोस्तों तो आपके नेगेटिव मार्किंग है, तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस देता हूँ कि आप गैस करके क्वेश्चंस को आंसर नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटेन योर स्पीड्स एंड एक्यूरेसी। आपको पता है दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम है, टाइम डाउन होगा दोस्तों, पीजीटी जीजी के लिए 3 घंटे का पेपर है, पीआरटी वालों का 1.5 घंटे का पेपर है, तो आपको दोस्तों स्पीड मेंटेन करनी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों डोंट फॉरगेट योर एडमिट कार्ड फोटोग्राफ आईडी प्रूफ। आपको पता है दोस्तों आपको एडमिट कार्ड कलरफुल ले जाना है, जिनको सेंटर पर जाना है, जिनको घर पर रहना है दोस्तों उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है एडमिट कार्ड की, वो तो वर्चुअल ही एडमिट कार्ड शो करेंगे। फोटोग्राफ दोस्तों क्लियर होनी चाहिए, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिल्कुल सटीक होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका दोस्तों प्लेन होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, लाइट कलरिंग होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप रफ पेपर यूज़ करेंगे तो आप पहले कैमरे में दिखाएंगे आगे पीछे दोनों शीट, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रफ शीट का। इसके अलावा आईडी प्रूफ दोस्तों एक क्लियर होगा, उस टाइम पर लेके बैठिएगा जब ऑनलाइन एग्जाम आप देंगे, क्योंकि उसकी फोटो भी क्लिक होगी दोस्तों। पहले आपका फोटोग्राफ, सेकंड में आपको आईडी अपना अपलोड करना होगा, उसके बाद वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद अलाउड कर देंगे दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट है आपका लास्ट एंड स्ट्रेटजी, दैट इज़ डोंट टेक स्ट्रेस। कभी भी दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस में हम क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, काम रहिएगा, घर से पेपर देना है, समझिए कि घर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिएगा। सो याद रखें कि अंतिम समय की तैयारी जो होती है दोस्तों गहन अध्ययन की शामिल होना शामिल नहीं है, यानी ज़्यादा डीप नहीं जाना, लास्ट डे है, आराम से रिलैक्स करके सो जाओ, सुबह फ्रेश मूड में उठिएगा और नहा धो के दोस्तों अपने एग्जाम्स के लिए बैठ जाएगा। आपको केवल उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रश करने की आवश्यकता है जो निश्चित रूप से इस परीक्षा को आसानी से पास करने में आपकी मदद करें। तो 50% जो आपकी जिस पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है अच्छी है, जिस जैसे मैथ वाले की मैथ पे थोड़ा सा फोकस कर ले, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, अपने अपने सब्जेक्ट में आप स्कोर करने की कोशिश करिएगा फ्रेंड। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी थी लास्ट डे की। सो आई होप दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आपका एग्जाम दोस्तों क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो में नई फ्रेंड्स, इफ़ लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।